अरे भाई साहब आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, मैं नहीं आऊंगा कल से, आप तो इतना प्रेशर कर रहे हैं, 10 मेल कर दिया आपने। नहीं 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 सॉरी सॉरी, मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, मुझे 15 दिन का नोटिस दे दीजिएगा आप, मैं सर्व करने के तैयार हूं 15 दिन का नोटिस, बट ये चीज जो आप कह रहे हैं मुझे इतने दिनों से आप कह रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। अजी मतलब ही नहीं है ना सर, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, मैं आपको रेजिग्नेशन दे देता हूं, ठीक है जी, नहीं कर, नहीं नहीं आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है जी, ठीक है, ओके बाय। किसकी कॉल थी? अरे काहे की कॉल यार, क्या दिमाग खराब कर दिया यार। किसकी कॉल थी? ऑफिसर रिजाइन दे दिया मैंने। ऐसे कैसे दे दिया रिजाइन यार, क्या बात हुई थी? चिगू क्या कर रहा है भाई? बात क्या हुई थी वो बता। अरे बात क्या हुई यार, ऐसे भी चलता है क्या? पिछले 15 दिन से प्रेशर बना रखा हुआ यार, मेल पे मेल, मेल पे मेल, मेल पे मेल। किस चीज की मेल? अरे क्या छोड़ यार, सीनियर हूँ नहीं हूँ मैं कितना सीनियर हूँ यार, तुम ये बताओ मैं कितना सीनियर हूँ? 8 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 9 साल से, 3 साल से इनके यहाँ पे जा रहा हूँ यार। एक बात होती है, बंदा जब कुछ कह रहा है बात ही नहीं समझ रहे यार। मैं क्या बोल दिया? अरे नौकरी छोड़ दी तुम, छोड़ो यार। तो बात हुई होगी। अरे कुछ और कर लेंगे यार, बहुत काम है मेरे पास। और ये घर का खर्चा? अरे गाड़ी गाड़ी चला लूंगा, उबर ओला कैब जोमेटो वाले बहुत घूम रहे हैं, जोमेटो का काम कर लेंगे। नहीं इससे कुछ नहीं होता यार, घर में इतना खर्चा है, घर का खर्चा कैसे होगा? उल्टी बात मत करो, मैं ये जॉब छोड़ चुका, तुम्हें नहीं पता कितना प्रेशर है, ऐसे होता है जैसे ये लोग कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता ना भाई, ऑफिस में जाओ तुम जब पता चलेगा तुम्हें यार। अरे तुम बात बताओ पहले, बात क्या हुई? बात कुछ नहीं है, बात ये है कि नौकरी छूट गई है भाई। अरे कुछ तो बात होगी, ऐसा कॉल पे थोड़ी ना छूट जाती है नौकरी, कोई रीजन तो होगा। तुम्हें पता है उन्होंने मेरे ऊपर कितना प्रेशर बनाया हुआ है 15 दिन से, तुम तो यहाँ बैठ के बात बना रही हो, तुम्हें तो ये प्रेशर झेलना नहीं होता, ऑफिस कौन जाता है? ऑफिस तो मैं जाता हूँ ना भाई। अरे बात बताओ, बात क्या हुई? बात बात छोड़ो तुम यार, तुम पे कुछ, तुम ये देखो अब करना क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उबर में गाड़ी चला लूँ, ओला में चलाऊँ। उबर या कुछ भी करोगे, घर के खर्चे इससे पूरे नहीं हो सकते हैं, तुम बात बताओ बात। यार मेरे पे बहुत काम है, ऐसे बहुत काम है, जो ऐसी जॉब नहीं करनी यार जिसमें मैं खुद इतना ज्यादा टेंशन में चल रहा हूँ 15-20 दिन से, तुम तो देख ही नहीं रही हो, मेरे सर में दर्द रहता है, मैं घर आता हूँ मैं तुम्हें इतना कहता हूँ मेरे सर में मालिश कर दो, मेरे सर दबा दो, पहले हुआ मेरे कभी ऐसा? कितनी टेंशन है, मेरे बाल उड़ गए यार 15-20 दिन से इन्होंने मुझे प्रेशर में किया हुआ है। नहीं तुम बात तो बताओ, कुछ तो बात हुई होगी, क्या बात हुई है, ऐसी क्या बात हुई जो नौकरी छोड़नी बात है? अच्छा एक काम करो, पहले तो नोएडा से हम यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, अपने गांव में चलते हैं, क्योंकि वहीं पे देखेंगे कुछ भाई, नौकरी तो है नहीं उतनी जल्दी, मिलने वाली है नहीं। और ये बच्चों का स्कूल है और बाकी सारी चीजें? अरे बच्चों का स्कूल देखेंगे यार, वहीं पे देखेंगे, अब इतनी महंगी फीस कहाँ दी जाएगी, ये हो नहीं पाएगा यार आकांक्षा। अरे पहले कारण तो बता दो जॉब छोड़ने का। मैं रिजाइन डाल ही दे रहा हूँ बस। जॉब छोड़ने का कारण तो बताओ। कारण तुम्हें बता दिया ना तो तुम कहोगी कि ठीक किया तुमने। बात बताओ पहले, चलो आराम से बैठो, पहले बताओ बताओ तुम एक बात बताओ यार, कोई भी ऑफिस वाला 15 दिन के लिए अगर ये कहे, 10 साल से जा रहा हूँ, इतने फोन किए, इतनी मेल्स की, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मेल का रिप्लाई करो, मेल का रिप्लाई करो। अरे कैसे कर दूं मेल का रिप्लाई यार, बात भी तो कुछ हो। मेल थी क्या, किस बारे में थी मेल? 15 दिन के लिए कह रहे हैं कि गोवा जाना है, सबको छुट्टियां है, वहीं से काम कर लेना 15 दिन के लिए, बताओ बच्चों को छोड़ के ऐसे गोवा जा सकता है क्या कोई? 15 दिन के लिए गोवा जाना है भाई, मैं मेरी फैमिली है यार, मैं मेरे बच्चों के छोड़ के ऐसे गोवा में 15 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए मैंने छोड़ दी भाई नौकरी, भाई मैं नहीं सहन कर सकता, मैं अपने बच्चों को देखूंगा, मैं तुम्हारा भी मन करता है यार घूमने का, मैं 15 दिन के लिए चला जाऊं गोवा, ये कोई बात है 15 दिन के लिए ऑफिस की ट्रिप है जी, गोवा चलो जी। मैंने कहा भी फैमिली को भी बता दे करने, ना ना फैमिली जाएगी नहीं, मैंने कहा जी हम उठा लेंगे उनका एक्सपेंस, मतलब होटल वगैरह जो बुक कर रहे मैं कर लूंगा बच्चों का, नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें केवल स्टाफ जाएगा, ऑफिस के कलीग्स जाएंगे इस बात की वजह। हाँ और भाई मेरे को नहीं घर में कोई पंगा थोड़े ही, अब तुम कोई मुझे परमिशन दे दोगी मुझे कि तुम 15 दिन के लिए गोवा चले जाओ? तुम बताओ परमिशन दोगी क्या मुझे तुम? नहीं भाई नहीं, बताओ दे दोगी ना परमिशन? दोगी तो बताओ फिर, मैंने तो भाई अपना डिसीजन ले लिया भाई, ऐसा नहीं होता, ये नहीं हो पाता। 15 दिन की बात है, चलो क्या ठीक है तो रिजाइन दे दूं ना? नहीं नहीं रिजाइन मत दो, चले जाओ। और तो मैंने उसे फोन पे कह दिया, नहीं नहीं कॉल कर लो, लो कॉल कर लो यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता यार, अब कॉल कर लो। नहीं नहीं, नहीं वैसे तो बिल्कुल नहीं, बिना जॉब के तो कोई बात ही नहीं, वैसे तो तुमने अच्छा सोचा, अच्छी बात करी कॉल करके, लेकिन ऐसे काम नहीं। चलो बोल दूंगा फिर मैं, 15 दिन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी?
मैनेज कर लेंगे।